Hello, my dear students. How are you? I am Sonu, your computer teacher. I hope you all are working hard at home in lockdown. So in this virtual class, this video for class 3, and name of our topic today, logo and introduction. So in this chapter, we learn about introduction to logo, starting MSW logo and parts of logo window and logo terminology and exciting logo. So let's get started. First of all, a computer cannot do anything by itself. It means computer खुद के द्वारा कोई भी कार्य नहीं कर सकता है. We communicate with a computer in the language. यानी कि computer के साथ हम लोग communicate होते हैं तो हमें एक language की आवश्यकता होती है, एक भाषा की आवश्यकता होती है. That can be understood. जिसके द्वारा computer क्या करता है कि वो चीज़ को समझ पाता है जो भी instructions हम लोग computer को देते हैं. There are many computer languages such as Logo, COBOL, Fortran. ये सब क्या है? Computer के language हैं जो computer अपनी भाषा को समझने में मदद करते हैं. यानी कंप्यूटर को हमारी भाषा को समझाने में मदद करता है. हम जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कंप्यूटर इसके माध्यम से ही समझ पाता है. यानी कि कंप्यूटर अपने द्वारा कुछ भी नहीं करता है. इसके साथ कंप्यूटर के साथ हमारा जब भी कम्युनिकेशन होता है या जब भी कम्युनिकेट करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तो हमें उसके और हमारे बीच में लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है. और यहाँ पर बहुत प्रकार के लैंग्वेज हैं जिसमें से आपको लोगो के बारे में पढ़ना है. सो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट लोगो. यानी कि इस चैप्टर में हम लोग लोगो के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि लोगो क्या है. एक्चुअली लोगो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बच्चों के लिए बनाया गया है, जो जिसको सीखना बहुत आसान है. और ये यहाँ पे जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है तो ये स्टार्टिंग है, यानी कि यहीं से शुरुआत होता है. तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस ऑफ लोगो तो हम लोग क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू लोगो. सॉरी, इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन टू लोगो. लोगो स्टैंड फॉर लैंग्वेज ऑफ द ग्राफिक्स ओरिएंटेड. यानी कि लोगो का फुल फॉर्म समझा जाए तो लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड. इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज. जो लोगो है बहुत ही आसान है सीखना और इसका यूज करना. लोगो इज यूज टू ड्रॉ फिगर एंड परफॉर्म सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस. यानी कि लोगो के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं किसी भी फिगर को, या हम लोग सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को हम लोग इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. इट वॉज इन्वेंटेड बाई द सैम्युअर पेपर्ट्स इन USA इन 1960. यानी कि 1960 में जो सैम्युअर पेपर्ट्स थे इनके द्वारा US में इसका इन्वेंशन किया गया है. ठीक है, किसका? तो लोगो आपका जो प्रोग्राम है. तो सबसे पहले हम लोग MSW लोगो को ओपन कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए MSW लोगो क्या करना होगा, सबसे पहले स्टार्ट पे जाइए. स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा ऑल प्रोग्राम, और ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, MSW लोगो. और वहाँ पे आपको क्लिक करिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो, और उसके बाद द MSW लोगो विंडो गेट डिस्प्ले. उसके बाद आपको क्या होगा कि MS विंडो लोगो का विंडो आपके सामने आ जाएगी और वहाँ पे आप देख सकते हो. सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ लोगो विंडो, यानी कि विंडो लोगो का जो मेन पार्ट्स है वो क्या क्या है. तो नेक्स्ट, द लोगो विंडो हैज़ द मेन टू पार्ट्स. यानी कि जो आपका विंडो लोगो है इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं. एक होता है मेन स्क्रीन और दूसरा होता है आपका कमांडर स्क्रीन. मेन स्क्रीन जहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट करते हो तो शो होता है, और मेन और उसके बाद है द कमांडर विंडो जहाँ पे आप कोई भी कमांड को राइट करते हो. तो मेन स्क्रीन क्या है? सो द अपर पोर्शन ऑफ द लोगो स्क्रीन इज ड्राइंग एरिया द मेन स्क्रीन. यानी कि जो जब हम लोग किसी भी विंडो को ओपन करते हैं तो MSW विंडो जब लोग MSW लोगो प्रोग्राम को जब हम लोग ओपन करेंगे तो जो आपका स्क्रीन दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया, तो ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये एरिया आपका क्या कहा जाएगा, मेन एरिया कहलाता है. और मेन एरिया में क्या होता है, यहाँ पे आप जो कुछ भी क्रिएट करोगे वो आपको शो होगा. चलिए थोड़ा सा हम लोग फिर से देखते हैं. द अपर पर्सन ऑफ लोगो स्क्रीन इज ड्राइंग एरिया द मेन स्क्रीन. यानी कि जो मेन स्क्रीन होता है वह आपका लोगो का ऊपर वाला भाग, जो सेंटर भाग होता है वो आपका मेन एरिया होता है, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करोगे तो वो शो ऑफ होता है. ठीक है. द मेन स्क्रीन डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ वर्क डन इन लोगो. मेन स्क्रीन में ही आप कोई भी डिस्प्ले करते हो, यानी कि लोगो में कोई भी वर्क को डन करते हो तो वो डिस्प्ले होता है. ठीक है, कहाँ पे? मेन स्क्रीन में. इंस्ट्रक्शंस गिवन टू लोगो लैंग्वेज आर नोन एज कमांड. यानी कि जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर लोगो कमांड
में यानी कि MSW ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो भी हम लोग कमांड देंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसको कमांड कहा जाता है, सॉरी, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को, ठीक है, तो वो सारे आपके कमांड कहलाते हैं, ठीक है। द फिगर क्रिएटेड ड्यूटिंग ए लोगो कमांड आर डिस्प्ले इन द दिस एरिया, यानी कि जो आपका फिगर क्रिएट होगा जब लोगों में हम लोग कोई भी कमांड देंगे, FD का यूज करेंगे, RD का यूज करेंगे, यानी कि कोई भी BK का यूज करेंगे, ये सभी कमांड्स हैं, इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम लोग लोगों के अंदर कमांड देंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे यानी कि एक्सिक्यूट करेंगे, तो जो आपका फिगर बन के शो होगा तो वो आपका मेन एरिया में ही दिखाने का, जो मेन स्क्रीन एरिया है वहाँ पर दिखाने का वह दिखता है। देयर इज ए स्मॉल ट्राइंगल इन द सेंटर ऑफ अ स्क्रीन, यानी कि जो एक मेन स्मॉल ट्राइंगल होता है ऐसे, इसको टर्टल भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये टर्टल होता है, इट इज़ कॉल्ड टर्टल, ठीक है। दिस इज ए स्मॉल ट्राइंगल इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, इट इज़ कॉल्ड टर्टल, यानी कि जब हम लोग प्रोग्राम ओपन करेंगे तो प्रोग्राम में एक ब्लैंक एरिया ऐसा होगा, ठीक है, और इस ब्लैंक एरिया में यहाँ पे एक ऐसे करके ट्राइंगल होगा जिसको हम लोग टर्टल बोलते हैं, ठीक है। सो कमांडर विंडो क्या है? द कमांडर विंडो इज डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस, यानी कि कमांडर विंडो जो होता है यह थ्री सेक्शंस है इसके, ठीक है, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। एक है इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स क्या है, तो इनपुट बॉक्स लोगो कमांड आर रिटन इन द इनपुट बॉक्स, यानी कि इनपुट बॉक्स के अंदर आप कोई भी कमांड को राइट करोगे, ठीक है, यानी कि जो भी कमांड आपको एक्सिक्यूट करना है तो उसको लिखने का यानी राइट करने का काम होगा वो इनपुट बॉक्स में होगा। उसके बाद है रिकॉल लिस्ट बॉक्स, रिकॉल लिस्ट बॉक्स क्या करेगा, इट मेंटेन द लिस्ट ऑफ द ऑल कमांड्स टाइप्ड इन द इनपुट बॉक्स, यानी कि इनपुट बॉक्स में आप जितना भी कमांड को टाइप करोगे तो यह स्टोर करके रखेगा, ठीक है। आपने बहुत सारे कमांड को टाइप कर दिए, ठीक है, तो उन सबको अगर आपको एक बार में देखना होगा कि हमने कितने कमांड का यूज किया है तो आप रिकॉल लिस्ट बॉक्स में जा करके उसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका बटन्स, बटन्स क्या करता है, देयर आर सम बटन्स प्रेजेंट इन द कमांडर विंडो, इट हेल्प टू कॉल्ड कंट्रोल बटन्स, यानी कि दिस बटन्स कॉल्ड कंट्रोल बटन, यानी कि बटन्स जो है आपके कमांडर विंडो के तीसरा पार्ट से, जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे बटन्स होंगे, ठीक है, यूज करने के लिए, इसको हम लोग कंट्रोल बटन भी बोलते हैं, जैसे एक्सिक्यूट होगा, ऐसे करके बहुत सारे बटन्स होंगे। सो नेक्स्ट सम ऑफ द टर्टल, होम ऑफ द टर्टल, सॉरी, होम ऑफ द टर्टल मीन्स वेन यू स्टार्ट लोगो, जब आप लोगो प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे, द टर्टल इज प्रेजेंट एट ए सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यानी कि जो आपका टर्टल है ये आपका स्क्रीन आपका अपेयर होगा कहाँ पे, सेंटर में, किस सेंटर में, तो आपका जो मेन एरिया है जब आप लोगो प्रोग्राम ओपन करोगे तो जो स्क्रीन होगा उसके सेंटर में आपका टर्टल दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द होम पोजीशन ऑफ द टर्टल, यानी कि सेंटर एरिया को होम पोजीशन कहा जाता है। द टर्टल मूव द ड्रॉ अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन बाई यू, अब जो आपका टर्टल है ये मूव करेगा, मूव कैसे करेगा, आप जैसा कमांड दोगे उसके अकॉर्डिंग यह मूव करता है, यह सेंटर में हमेशा रहेगा और ये ट्राइंगल होता है और इसको बोलते हैं टर्टल, और ये आपको मूव करता है जैसा हम लोग इसको कमांड देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, यानी आपके जो टर्टल है उसके कितने पार्ट्स हैं, तो देखा जाए हेड एंड टेल ऑफ द टर्टल, सबसे पहले द पॉइंटेड एंड ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड द हेड, यानी कि या ये जो एरिया है यहाँ पे, तो ये एरिया कहलाता है हेड, ठीक है, यानी कि टर्टल का मेन पार्ट्स ये आपका हेड है और नीचे आपका कहलाता है टेल, ठीक है। द हेड शो द डायरेक्शंस इन विच द टर्टल विल मूव, यानी कि यह क्या करेगा, डायरेक्शंस हमको बताएगा कि आपका टर्टल किधर मूव करेगा, लेफ्ट राइट अप डाउन, यानी कि वो किधर मूव करना है, ठीक है, वो आपको शो करता है। उसके बाद बॉटम में तो पार्ट्स ऑफ द टर्टल इज नॉन द टेल, यानी कि ये एरिया जो बॉटम वाला है ये उसको बोलते हैं टेल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या होता है कि जब कोई भी आप कमांड राइट करोगे तो यहाँ से ये क्या करेगा, शो करेगा। उसके बाद है प्रिमिटिव्स, ये क्या होता है कि वी कैन ड्रॉ डिफरेंट शेप एंड पिक्चर, यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग प्रकार के पिक्चर या शेप को ड्रॉ कर सकते हो हेल्प ऑफ द टर्टल, यानी कि टर्टल का यूज करके आप अलग अलग प्रकार के शेप को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। टू मूव द टर्टल वी हैव द गिव इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जब हमको मूव कराना होगा टर्टल को तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम लोग टर्टल बोलते हैं, ठीक है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर एज कमांड और
प्रिम्प्ट इन लोगो, यानी कि जो वही कमांड होता है उसको हम लोग टर्टल में जो कमांड है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सॉरी जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको कमांड कहा जाता है, और वो कमांड आपका प्रिम्प्ट इन लोगो यानी कि वो आपके प्रिम्प्ट होता है लोगो के अंदर। सो मूविंग द टर्टल, और हम लोग टर्टल को कैसे मूव करेंगे, सो मूविंग द टर्टल, आप कैसे हम लोग टर्टल को मूव करेंगे, द टर्टल कैन बी मूव एनी वन इन द मेन एरिया, यानी कि जो आपका टर्टल है वो एनी वेयर यानी कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कहाँ पे? मेन एरिया में, जो स्क्रीन का आपका मेन एरिया है वहाँ पे यह मूव करता है। ए टर्टल ड्रॉ ए लाइन व्हेन इट मूव इन एनी डायरेक्शन, यानी कि जब टर्टल आपका किसी भी डायरेक्शन मूव करेगा तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन वह क्रिएट करता है, ठीक है, यानी कि वह आपका एक लाइन ड्रॉ करेगा। दिस लाइन कॉल्ड ए ट्रेल, यानी कि जो आपका लाइन है वह क्या कहलाता है, ट्रेल कहलाता है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, कोई लाइन ड्रॉ हो रहा है तो उसका जो नेम है उसको ट्रेल बोलते हैं। द टर्टल कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि जो टर्टल है आपका वह फॉरवर्ड में भी मूव हो सकता है और बैकवर्ड में मूव हो सकता है। इट कैन ऑल्सो टर्न इन द डिफरेंट डायरेक्शन, और इसके अलावा वह आपका डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके बहुत प्रकार के, जैसे पिछले आपने क्लास में कमांड इन लोगो जो चैप्टर पढ़े थे उसमें आपने देखा था, वो बहुत सारे कमांड थे, तो वहाँ से आप अलग अलग प्रकार के फॉरवर्ड बैकवर्ड के अलावा भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डायरेक्शन में टर्टल को मूव करा सकते हो। सो अब हम लोग देखते हैं एक्साइटिंग लोगो, यानी कि लोगो को कैसे हम लोग बंद करेंगे। आफ्टर यू हैव फिनिश द वर्किंग इन लोगो, जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है लोगो के अंदर, यू नीड इंड द प्रोग्राम एंड कम आउट द बैक द विंडो, यानी कि बैक टू विंडो, यानी कि अगर आपका काम फिनिश हो गया है और आप लोगों को क्लोज करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको क्लोज करने की, तो इसके लिए क्या करना होगा, देन यू कैन एग्जिट लोगो बाई टाइपिंग बाय बाई इन द कमांड इनपुट बॉक्स, यानी कि आप लोगों को बंद कर सकते हो कहाँ पे, कमांड जो आपका है इनपुट बॉक्स है वहाँ पे कमांड के द्वारा, ठीक है, और आप एंटर प्रेस करके इसको एक्सिक्यूट बटन के द्वारा कर सकते हो। तो कैसे हम लोग करेंगे, यू कैन एग्जिट लोगो बाय क्लिकिंग द एग्जिट ऑप्शन ऑफ फाइल मेनू, फाइल मेनू में भी आप एग्जिट बटन पे क्लिक करके कर सकते हो, अदरवाइज कमांड के माध्यम से भी आप वहाँ से प्रोग्राम को बंद कर सकते हो। सो लोगो इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज, यस इट इज़ ट्रू, इज द बेसिक लैंग्वेज है आपका लोगो। लोगो विंडो इज डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट्स, मेन स्क्रीन एंड कमांडर विंडो, है मेन स्क्रीन और जहाँ पे आपका टर्टल होता है और जो कुछ भी आप क्रिएट करते हो फिगर वो आपका मेन स्क्रीन में दिखता है। कमांडर विंडो, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे आपके सभी प्रकार के कमांड को लिखे जाते हैं और जो कमांड आप रखते हो उसको शो ऑफ करते हो, ठीक है। द स्मॉल ट्राइंगल इन द सेंटर इन द मेन स्क्रीन इज कॉल्ड टर्टल, इट इज ट्रू, टर्टल कहलाता है जो ट्राइंगल होता है आपके मेन स्क्रीन के सेंटर में। द टर्टल मूव द ड्रॉ फिगर अकॉर्डिंग टू द लोगो कमांड, यस जो आपका टर्टल है वो मूव करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, हम जैसा इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर के अंदर और जो भी हम लोग कमांड देंगे लोगो प्रोग्राम के अंदर, तो उसके द्वारा ये क्या होता है, मूव होता है। द कमांड इन लोगो ऑल्सो नोन एज प्रेम्प्ट्स, यस जो आपका होता है कमांड लोगो के अंदर उसको प्रेम्प्ट्स भी कहा जाता है। सो इन दिस चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर गेटिंग स्टार्टेड विथ एम एस वर्ड, सो थैंक यू।